वासुदेव। श्रीमद् भगवद गीता अथ रूप अध्याय 4। अध्याय का शीर्षक है दिव्य ज्ञान और श्लोक संख्या है 10। वीत राग भय क्रोधा मन मया माम उपाश्रितः बहवो ज्ञान तपस पूत मद भाव आगतः। आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं अर्जुन जी के माध्यम से कि अगर कोई भगवान के इस दिव्य प्रेम को प्राप्त करना चाहता है तो भगवान कहते हैं जो ये भगवद गीता का ज्ञान है और उसमें भी ये दिव्य ज्ञान जो चौथा अध्याय है जिसमें भगवान अपने जन्म और कर्म के बारे में बता रहे हैं, जन्म कर्म चामे दिव्यम, मेरा जन्म और मेरे कर्म दोनों दिव्य हैं, और अगर कोई उन्हें तत्व से एवं योवेति तत्वतः जो तत्व से वास्तव में कृष्ण को जान लेना तो भगवान कहते हैं त्यक्त्वा देहम, जब वो इस शरीर का त्याग करता है पुनर्जन्म नैति मामेति सोचो तो वो दोबारा संसार में जन्म नहीं लेता और मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। और फिर भगवान यहाँ पर बता रहे हैं आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर, एक आसक्ति होना, आसक्ति किसमें, संसार में, परिवार में, कुटुंब में, शरीर में और अनेक इच्छाओं कामनाओं में, काम और कामनाएं जिन्होंने मन में डेरा डाल रखा है और उसी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जीव कई बार पुण्य और कई बार पाप करता है, जबकि भगवान को पाने के लिए ना पुण्य चाहिए ना पाप चाहिए, लेकिन जब तक मन में काम और कामनाएं हैं, कोई भौतिक इच्छाएं हैं, संसार के प्रति कोई मोह या आसक्ति है कहीं भी, परिणाम में उस व्यक्ति से पाप और पुण्य तो बनेंगे ही, तब तक वो फिर निष्काम भक्ति नहीं कर पाएगा, कहीं भी अटैचमेंट रहे। और ऐसा नहीं है कि जो लोग सोचते हैं जी हम तो गृहस्थी हैं जी इसलिए हम तो ऐसा कर ही नहीं सकते, जबकि शास्त्र में ऐसे कितने प्रमाण, भक्तमाल जी ग्रंथ में ऐसे कितने प्रमाण हैं ऐसे गृहस्थी परिवारों के जो गृहस्थ होते हुए भी भगवान के शुद्ध भक्त थे, जैसे उदाहरण के लिए पीपा जी महाराज और उनकी धर्मपत्नी सीता देवी जो थी, सीता सहचरी जी, और श्रीधर जी उनकी धर्मपत्नी, और ऐसे कई और गृहस्थी हैं जो गृहस्थ में रहते हुए भी उन्होंने ऐसी अनन्य भक्ति की ही कि उनका फिर कहीं आसक्ति नहीं थी। जैसे राजा मूर्ध्वज जी की भी कथा आती है उनकी धर्मपत्नी की, कैसा वैराग्य होगा उनके हृदय में, सोचिए जब परीक्षा की घड़ी आई तो कैसी परीक्षा दी, दोनों पति पत्नी ने मिलकर अपने पुत्र को बीच में से चीर रहे हैं, सेंटर से आरी ले गए, कैसी कैसी परीक्षा, और उसके अंदर दोनों के मन कैसे होंगे अब विचार कीजिए, वो भी गृहस्थी थे। जो लोग सोचते हम तो गृहस्थी हैं जी इसलिए हम तो नहीं कर सकते, तो ये प्रमाण है इस बात के कि जिन्होंने गृहस्थ में रहते हुए भी अनासक्त हैं, यही बात गीता में भगवान बता रहे हैं कैसे अनासक्त भाव से भी इस संसार में जिया जा सकता है, रहा जा सकता है, और वही सीखना है भगवद गीता से, समझना है भगवद गीता से, व्यवहारिक रूप जीवन में देना है इस भगवद गीता से समझकर। भगवान कृष्ण कहते हैं आसक्ति फिर भय, भय क्या है, जब तक मैं अपनी शरीर से पहचान करूंगा या इस संसार की किसी नश्वर वस्तु में मेरी अगर मोह या आसक्ति है मैं भय से मुक्त नहीं रह सकता, हाँ चाहे फिर वो शरीर हो चाहे पैसा हो या कोई भी वस्तु हो संसार के परिवार,
किसी भी वस्तु या किसी भी शरीर में अगर मेरा मोह है, मैं भयभीत रहूंगा, हर समय भय रहेगा, तब तक भय से मुक्त नहीं हो सकता वो। इसलिए भगवान ने भगवद गीता के इस ये चौथा अध्याय है तो दूसरे अध्याय में क्या केवल मुख्य रूप से इसी बात को समझाने का प्रयास किया अर्जुन को कि तू शरीर नहीं है, तू जीवात्मा है। लेकिन जब हम अपने को शरीर मानते हैं, बस वहीं से ही ये सब शुरू हो जाता है, मैं मेरा या आसक्ति या इस तरह का। कल भी यहाँ पर मंदिर में कुछ स्टूडेंट्स आए हुए थे, जब बात हुई मैंने पूछा हम शरीर हैं या आत्मा या दोनों हैं, कहते हम दोनों हैं। एक माता उनमें से कहती नहीं हम तो शरीर हैं, वो माता कहती कॉलेज के स्टूडेंट हैं। लेकिन कोई ऐसी एजुकेशन ही नहीं है ना स्कूल कॉलेजेस में, ना घर में, ना स्कूल में, ना कॉलेज में। मैंने उससे पूछा जबकि तुमने कहा कि आपने कहा कि मैं शरीर हूं, हम शरीर हैं, तो परिणाम शरीर तो सामने रखा होता है, फिर लोगों का ये रोना धोना क्यों होता है, इतना सब रो रहे हैं जब शरीर तो सामने है भाई, फिर रोना क्यों है। अब इस बात का कोई आंसर नहीं उसके पास, चुप। तब दूसरे स्टूडेंट ने कहा कि नहीं हम शरीर भी हैं और आत्मा भी हैं। तो मैंने कहा जब शरीर भी आत्मा भी, शरीर तो सामने रखा है, फिर लोग फिर क्यों रो रहे हैं। कहते तो वो चला गया। चला कौन, चला गया भाई? तो एक ने कहा आत्मा। मैंने कहा फिर आत्मा हुए हम या शरीर? शरीर हुए तो शरीर तो रखा है। फिर उनको ले थोड़ी सी ध्यान में आई कि हाँ हम शरीर नहीं है, हम तो आत्मा है, जीवात्मा है। तो यही बात को यहाँ पर समझना होगा जो सेकंड चैप्टर में भगवान ने इसीलिए बताया आत्मा के बारे में कि हाँ आत्मा जो है उसका ना जन्म है, मृत्यु है, ना बुढ़ापा है, ना बीमारी है, ना कोई उसे काट सकता है शस्त्र, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल गीला कर सकता है। ये बात कहने के पीछे भगवान यही बात को समझाना चाह रहे हैं कि इसको ठीक से दिमाग में समझ लें कि हम शरीर नहीं हैं। ये बात अर्जुन को समझाना चाह रहे हैं, जबकि भगवान का तो शरीर दिव्य है, लेकिन अर्जुन को ये बात और अर्जुन के माध्यम से हम सब संसार के बद्ध जीवों को समझाना चाह रहे हैं जो बंधे हुए हैं। किसमें बंधे हैं? जन्म मृत्यु के चक्र में बंधे हैं। और यहां पर भगवान कहते हैं भय, आसक्ति। आसक्ति मतलब जैसे मैं बताए मैं और मेरे में आसक्ति, मैं शरीर हूं और ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है, ये मेरे वस्तु, तो ये आसक्ति। भय जब शरीर से पहचान की, कहीं भी अटैचमेंट मोह बन गया, परिणाम में भयभीत रहे। कुछ भी इच्छाएं मन में भौतिक हैं, वो व्यक्ति भयभीत रहेगा, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे फिर वो भिखारी ही क्यों ना हो। और फिर क्रोध, जब तक मन में काम और कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो व्यक्ति क्रोध से मुक्त नहीं हो सकता। जब इच्छा पूरी हो गई तब तक तो ठीक है, लेकिन जब इच्छा पूरी नहीं हुई बस पारा चढ़ गया, फिर तो फिर गुस्सा, फिर पर। लेकिन वहीं पर ही भगवान का जो शुद्ध भक्त है वो भी क्रोध कभी करता है, लेकिन कब करता है? उसको हृदय शुद्ध होने के, उसे पता है क्रोध का सदुपयोग कैसे किया जा सकता है कृष्ण की सेवा में, जिसका उदाहरण है हनुमंत लाल जी। हनुमंत लाल जी ने भी क्रोध का प्रयोग किया, क्या करके? पूरी लंका रावण की फूंक डाली, सोने की लंका, स्वर्ण की, और सबको फूंक जला डाला। लेकिन उसके बाद फिर वैसे के वैसे शांत ही हैं। ये नहीं है कि एक बार पारा चढ़ गया तो फिर उतरने का नाम ही नहीं रहता, जैसे संसारिक जीवन के अंदर किसी का किसी के प्रति अगर क्रोध बन गया तो अब तो जब तक बदला नहीं ले लेंगे तब तक हमारा क्रोध शांत नहीं होने वाला। लेकिन शुद्ध भक्तों का या भगवान का क्रोध ऐसा नहीं होता। भगवान और भगवान के भक्तों का, भगवान ने भी क्रोध किया, रावण का वध किया, कंस का वध किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि रावण का वध उसके बाद फिर क्रोध उतर ही नहीं रहा। हाँ, नरसिंह भगवान ने जब किया, इतने क्रोधित हैं, प्रहलाद जी को इतना कष्ट दिया उसके पिता ने कि उसको मार दिया, उसकी आंते निकाल के गले में पहन ली मालाओं की तरह, लेकिन क्रोध शांत नहीं हो रहा। इसलिए नहीं कि वो क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, रोक नहीं पा रहे, इसलिए कि उनके भक्त पर कितना अत्याचार किया इस दुष्ट ने, हिरण्यकश्यप ने। लेकिन फिर जब प्रहलाद महाराज ही पास में गए, दोनों हाथ जोड़े हुए भगवान के पास में, जबकि सारे भयभीत हैं, देवी देवता तक हिम्मत नहीं कर पा रहे आगे बढ़ने की,
लक्ष्मी माता तक नहीं बढ़ पा रही, आगे ब्रह्मा जी नहीं आ पा रहे, लेकिन वही वही प्रहलाद जी ऐसे सरलता से चले गए नरसिंह भगवान के पास जैसे उनको कोई डर ही नहीं है उनका, क्योंकि उनका हृदय कैसा है और विचार कीजिए भक्ति से भरा, वो भक्ति भाव से। और जैसे ही प्रहलाद जी को देखा, एकदम प्रहलाद जी को देखते क्या किया भगवान नरसिंह देव ने, गोद में लेकर उनको चाटना शुरू कर दिया जैसे कोई अपने बच्चे को वो करता है, जैसे अब देखते हैं पशुओं में, तो भगवान ऐसे चाट रहे हैं उसको, प्रेम दुला रहे हैं। परिणाम जब तक मन में काम और कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं मन में बहुत ही भरी हुई, तब तक क्रोध से मुक्त नहीं हो सकता। और भगवान यहां बता रहे हैं आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर, फिर भगवान कहते हैं पहले इन तीनों से मुक्त हो जाओगे ना, तब जाके पूर्णतया तन्मय हो सकोगे। कई लोग कहते हैं जी हम जप करते हैं मन ही नहीं लगता हमारा, नाम जप में सत्संग सुनते हैं तो नींद आ जाती है, मन ही नहीं उसमें, पर क्यों नहीं होता तन्मय, क्यों नहीं हो पाता मन पूरी तरह से एकाग्र हो पाता, उसका कारण बता रहे हैं भगवान कृष्ण। इसका मतलब है अगर हमारा भगवान की कथाओं को सुनने में मन नहीं लग रहा, भगवान का नाम जप करने में मन बहुत भटक रहा है, इसका मतलब है मन में आसक्ति है, भय है, क्रोध है, ये से है, हम इससे मुक्त नहीं हुए आसक्ति भय क्रोध से। और आसक्ति भय क्रोध से मुक्त नहीं हुए इसका मतलब ये है कि हम अपने को देहात्म बुद्धि शरीर से अपनी पहचान करते हैं। पशु भी यही करता है, कुत्ता सोचता है मैं तो कुत्ता हूं जी, इसलिए वो उसी तरह के स्वभाव को प्रकट करता है। बिल्ली सोचती है मैं तो बिल्ली हूं जी, शेर सोचता है मैं तो शेर, शरीर से अपने का। जिस शरीर में जाती है जीवात्मा अपने पूर्व के पाप कर्मों के फलों के कारण से, बस वैसा ही उसकी सोच बन जाती है, विचारधारा बन जाती है। और ऐसे में जब तक आसक्ति है, जब तक भय है, जब तक क्रोध है मन में, तब तक मुझ में पूर्णतया तन्मय नहीं हो सकेगा भगवान कृष्ण कहते हुए। लेकिन मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर, शरण में कैसे, जैसे गुरु महाराज ने कई बार उदाहरण इस बात का, जैसे एक छोटा सा बच्चा अपनी माता की शरण में रहता है, एक महीने का बच्चा, छह महीने का बच्चा, उसको समझ ही नहीं है माँ के अलावा और कुछ, बस उसे तो खाली वो केवल माँ को ही जानता है बस। शरण में आकर बहुत से व्यक्ति, इसी तरह से भगवान की शरण में हमें जाना पड़ेगा कि हम कृष्ण के अलावा किसी को नहीं जानते है। लेकिन अब कृष्ण को भी हम नहीं जानते, मुश्किल ये है। तो परिणाम इसी लिए भगवान ने कहा एवं परंपरा प्राप्तम, चौथा अध्याय दूसरे श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, इसलिए मैंने ये गुरु परंपरा दी है, मुझे नहीं जानते इस गुरु परंपरा के माध्यम से मेरे पास आ जाओ, ये माध्यम। तो जो भगवान कृष्ण का प्रतिनिधि है, जो प्रमाणिक गुरु, मेरे को उस प्रमाणिक गुरु के उनके चरणों में शरणागति लेनी होगी, समर्पण करना होगा उनके चरणों में। और समर्पण या शरण लेने का मतलब है कि अब मैं गुरु की आज्ञाओं में ही जीवन जीऊंगा, हाँ अब मनमर्जी नहीं करनी है मुझे। लेकिन मुश्किल क्या है, गुरु तो धारण कर लिया लेकिन मनमर्जी अभी भी चलती है। गुरु कहता है ईस्ट की ओर जाओ, पूर्व की ओर, तो क्या हम कहते नहीं जी हम तो पश्चिम की ओर जाएंगे वेस्ट की तरफ, ये हालत है। तो परिणाम में ऐसे में भी आध्यात्मिक ज्ञान कैसे होगा जब हम आज्ञा का पालन ही नहीं करेंगे। तो गुरु कृपा तो तभी मिलेगी जब हम गुरु की आज्ञाओं का विनम्रता पूर्वक पालन करेंगे, अहंकार को छोड़कर, अपनी देहात्म बुद्धि से ऊपर उठकर, कि इस मिथ्या अहंकार में मैं तो, हम तो बड़े पैसे वाले हैं, हम क्यों झुक जाए भाई। ठीक है गुरु जी से मंत्र ले लिया, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि हम सारी बातें मानेंगे उनकी। तो परिणाम यहाँ पर यही बात को कि शरण में आना हो, शरण का मतलब है 100% समर्पण, किसके चरणों में, भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि के चरणों में। अब मुश्किल क्या है, अब ये भी कैसे पता चले भगवान का जो प्रतिनिधि है वो वास्तव प्रतिनिधि है भी के, या कैसे ही प्रतिनिधि के पद पे आ गया, ये भी बहुत कलयुग के अंदर है। लेकिन कर्म हमारे ऐसे कर्मों के कारण से ऐसे समय में आए, लेकिन भगवान फिर भी कहते हैं, लेकिन तुम ये मत सोचो कि कोई अचानक कुछ होगा, वेयर देयर इज विल देयर इज वे, गुरु महाराज कहते चाह को रहा,
हमारी अगर इच्छा जो है वो शुद्ध है, अगर वास्तव में हमारे हृदय में इच्छा है भगवान को जानने की, समझने की, भगवान को पाने की, उनकी नित्य सेवा में जाने की, तो सदगुरु निश्चित रूप से मिला देंगे भगवान। लेकिन हमें करना क्या होगा? प्रार्थना, हृदय से प्रार्थना करनी होगी, बार बार प्रार्थना करनी होगी। आज हम किसी से बात कर रहे थे, आज या कल, तो वो बता रहे थे कुछ, आज कर रहे थे सुबह, कहते मैं रोज 15 मिनट के लिए प्रार्थना करता हूँ गुरु महाराज को नियम से, तो वो प्रार्थना सुना रहे थे, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। तो यहाँ पर भी वर्णन है इस बात का कि शरण में आकर बहुत से व्यक्ति, फिर भगवान कृष्ण का कोई कई बार कहते हैं ना, फिर कहते हैं जी किसने भगवान भगवान को देखा, किसने है, किसने देखा भगवान को, कि भगवान का कोई रूप भी है कि नहीं है। एक माता आई अपने हिसाब का जीवन जीने का तरीका उसका, तो हमने कहा कि किसी भगवान को मानती हो, कहते भगवान को देखा किसने है। मैंने कहा अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हो, इस तरह से नाम जप का नियम करके देखिए, शुरू करके आप योग्य तो बनना पड़ेगा ना। अब डॉक्टरी की डिग्री चाहिए तो आपको उसके लिए योग्य तो बनना पड़ेगा ना, इतने क्लासेस स्कूल और कॉलेज सब होते हुए जाना पड़ेगा। अब ये थोड़ी कि कोई डिग्री कोई आपके हाथ में थमा देगा बिना आपकी पढ़ाई की स्टडी किए, बिल्कुल भी स्कूल कॉलेज जाए तो ठीक है। कहते कि मैं करूंगी 5 मिनट के लिए जब करूंगी। हमने कहा कोशिश कर 10 मिनट करिए, एक माला हो जाएगी, शुरुआत करिए। तो फिर कोई ऐसी बात हुई जब वो जाने लगे, तो जब बात हुई कहते हाँ जब भगवान को दिखाई देंगे मेरे को, देखोगे तब वो करोगे और बढ़ाओगे, कुछ ऐसी बात नहीं। तो देखना करना है जब 24 घंटे दिन में है, जब करना है 5 मिनट और भगवान को देखना चाहते हैं, और 24 घंटे साथ में है, फेसबुक पे घंटों फूकेंगे, टीवी पे घंटों फूकेंगे, लेकिन जब भगवान का नाम, जब भगवान के देखने की बात है तो 5 मिनट में हो जाना चाहिए काम पूरा। 5 मिनट जब करेंगे भगवान दिखने चाहिए। ये है कलयुग के जीवों की हालत। उस समय तो नहीं बोला उन्हें क्योंकि बिल्कुल पहली बार आए, हमने कहा शुरू तो करो पहले 5-10 मिनट, बाकी भगवान का नाम खुद कर लेगा दिमाग ठीक मन में। तो यही बात यहाँ पर भगवान कहते हैं कि बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं, पास्ट में पहले बीते हुए समय में। भगवान कह रहे हैं ऐसा नहीं है कोई आज तक हो ही, कोई शुद्ध ही नहीं हुआ, पवित्र ही नहीं हुआ, ये किसी को मेरी प्राप्ति ही नहीं हुई। भगवान बता रहे हैं अर्जुन को गारंटी देते हुए कि बहुत से लोग कर चुके हैं प्राप्ति मेरी, पवित्र हो चुके हैं, शुद्ध हो चुके हैं, इस पूर्णतया मेरे में तन्मय होकर मेरी शरण में आकर। तो हमें इस दो बातों को समझना होगा आज के श्लोक से, पूर्णतया तन्मय, मन को पूरी तरह से भगवान में एकाग्र करना, लेकिन वो तब होगा जब आसक्ति भय और क्रोध से मुक्त हो, और साथ में उनकी शरणागत होना पड़ेगा। फिर और किसी के ना बैंक बैलेंस के शरणागत होना होगा, ना पत्नी के, ना पति के, ना बच्चों के, ना घर के, ना रिश्तेदारों के, ना ही डॉक्टरों के, कोर्ट कचहरियों के। हमें तो शरणागत होना है हमें भगवान कृष्ण और उनके से पहले उनके प्रतिनिधि के, ये सीखना ही पड़ेगा। और इस प्रकार से उन सबों ने, किन सबों ने, वो सब जिन्होंने जो पवित्र हो चुके हैं भूतकाल में, उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। भगवान कहते हैं उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है, जिन जिन्होंने इस तरह से आसक्ति भय और क्रोध से मुक्त होकर पूर्णतया अपने मन को मुझमें तन्मय करके और मेरे ही शरणागत होकर, उदाहरण जैसे मीरा जी, नरसिंह मेहता, एकनाथ महाराज, ऐसे कितने, और प्रभुपाद जी, अभी का प्रेजेंट ने तो प्रभुपाद जी हैं, गुरु महाराज उनके तन्मय उनमें हो गए, रात रात को सोने नींद ही नहीं आ रही उनको, रात भर बैठे हैं केवल जप कर रहे हैं, और फिर सुबह मंगल आरती भी आ रहे हैं उसके बाद में, प्रवचन भी कर रहे हैं, लेकिन उनको नाम, बस नाम उनका बंद नहीं, नाम जप नहीं बंद। जो बच्चा वो समय जितनी अधिक से अधिक नाम जप कर ले, तैयारी उनका चिंतन में, बस उसमें अपना पूरा समय दे रहे हैं। तो इस बात को समझना है आज के श्लोक से कि भगवान के, श्री कृष्ण के प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त करने के लिए हमें देहात्म बुद्धि से ऊपर उठकर इस स्थिति को,
इसको व्यवहारिक रूप देना पड़ेगा। आसक्ति भय क्रोध से मुक्त होकर बार बार अभ्यास करके अपने मन को पूर्णतः तन्मय करने में और केवल कृष्ण भावना भावित कर्म करना, शरणागत होकर उनके, अगर ऐसा करते हैं तो दिव्य के प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं और इस भगवद गीता के दिव्य ज्ञान से पवित्र हो सकते हैं। अगर ऐसा नहीं किया तो फिर आवागमन प्रतीक्षा कर रहा है। बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र इच्छा हमारी है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं आपसे।